हेलो यू ब्यूटीफुल पीपल एंड वेलकम टू बी हेल्दी इंडिया। फ्रेंड्स, ये जो वीडियो मैं आप लोग के लिए आज बना रहा हूँ, ये मैं बिल्कुल भी बनाना नहीं चाहता था, बट कुछ लोगों ने मुझे मजबूर किया ये वीडियो बनाने के लिए। तो बहुत ही बेहतरीन होगा, आप इस वीडियो को यहीं पे पॉज कर लीजिए और पहले जाके आप मेरी पिछली वीडियो देखिए जो मैंने पतंजलि स्पिरुलिना के ऊपर बताई है, बनाई है। वो वीडियो देखने के बाद अगर आप ये वीडियो देखेंगे तो फिर आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग मुझसे ये पूछ रहे थे, कमेंट कर रहे थे कि आप गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, आप कोई डॉक्टर नहीं हो, आपने जो भी इन्फॉर्मेशन दी है किसी दूसरी कंपनी से पैसे लेके, पैसे खा के आपने ये गलत इन्फॉर्मेशन हमारे तक पहुंचाई है। तो एक बात मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर देता हूं, पतंजलि हो या फिर कोई भी अन्य अदर कंपनी हो, किसी भी कंपनी से मैंने कोई भी स्पॉन्सरशिप बिल्कुल भी नहीं ली है। और मैं यहाँ पर ये कहना चाहूँगा, पतंजलि इज बेस्ट प्रोडक्ट, कोई भी अदर कंपनी उसका कंपैरिजन नहीं कर सकती, बिकॉज वो बहुत ही कम पैसों में हमें वैल्यू प्रोवाइड करवाती है। उसका जो स्पिरुलिना है वो बहुत ही सस्ता है, और डेफिनेटली अगर वो सस्ता है तो इंडियन मार्केट के अंदर इंडियन लोगों को सस्ता ही प्रोडक्ट चाहिए। पतंजलि हमारा ख्याल रखती है, वो सस्ते में प्रोडक्ट हमें अवेलेबल करवा के देती है, इसलिए पतंजलि इज बेस्ट है। उसके आसपास भी कोई दूसरी कंपनी नहीं है, तो ये लोग आप बिल्कुल सुन लीजिए इस बात को आप अच्छी तरह से। जो भी अंधभक्त लोग हैं, मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि आप किसी भी कंपनी पे कुछ भी ट्रस्ट कर रहे हैं तो ठीक है, बट जो आपकी सेहत के मामले में अगर आप ट्रस्ट करने का ख्याल रखते हैं तो उससे पहले आपको कुछ ऐसा रिसर्चेस करने चाहिए। डेफिनेटली मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, मैं कोई मेडिकल प्रोफेसर नहीं हूँ, मैंने जो भी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचाई है ये सारी इन्फॉर्मेशन रिसर्चेस के बेस पर मैंने आप तक पहुँचाई है। मैं एक फिटनेस इन्फ्लुएंसर हूँ, फिटनेस इंस्ट्रक्टर हूँ, जो मेरे पास नॉलेज होती है, जो मैं रिसर्च करता हूँ उसके बेसिस पे वो नॉलेज मैं आप लोग के साथ शेयर करता हूँ वीडियो बना के। तो फ्रेंड्स, अब मैं आप लोग को वो सारे प्रूफ दिखाऊंगा जो मैंने रिसर्च किए थे स्पिरुलिना के ऊपर, उसके बाद आप ही डिसाइड करना कि मेरा वीडियो बनाना सही था या फिर गलत था। अगर आप लोगों में से ज़्यादातर लोग मुझे ये बोलेंगे कि आपने गलत वीडियो बनाया फिर से, तो फिर इस वीडियो को मैं डिलीट कर दूंगा। तो फ्रेंड्स, आप इस वीडियो तो को लास्ट तक देखते रहिए। अब मैं आपको सारे आर्टिकल दिखाऊंगा जो गूगल विकिपीडिया पे क्या लिखा है स्पिरुलिना के बारे में, वो भी आपको दिखाऊंगा, तो आप बिल्कुल देखते रहिए। फ्रेंड, जब मैंने गूगल पे सर्च किया साइड इफेक्ट ऑफ स्पिरुलिना तो फिर मुझे ये मिला। अगर आप सर्च करेंगे तो फिर आपको भी डेफिनेटली यही मिलेगा। इसमें क्लियर लिखा हुआ है, अगर आप स्पिरुलिना को कंज्यूम करते हैं तो उसके बाद आपको हेडेक हो सकती है, स्वेटिंग हो सकती है, इंसोमनिया की प्रॉब्लम हो सकती है, मसल में पेन हो सकता है, एलर्जीज हो सकती है, ये सब इसमें लिखा हुआ है क्लियरली, बिकॉज ये एक सी फूड है। मैंने बताया था जिन लोगों को सी फूड से एलर्जी है वो इसे नहीं लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ये सब मैंने इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचाई थी, और जो मैंने जितनी भी इन्फॉर्मेशन बताई पहुँचाई थी आप तक, वो सारी मैं क्लेरिफाई करूँगा इस वीडियो में, तो आप देखते रहिए। फ्रेंड, जब आप लोग सर्च करेंगे इंटरनेट के ऊपर स्पिरुलिना के साइड इफेक्ट के बारे में, तो सबसे पहले आपको ये वेबसाइट वहाँ पे दिखेगी, सबसे पहले रैंक पे वेरी वेल हेल्थ के नाम से। इसमें क्लियरली लिखा हुआ है मेडिकली रिव्यू बाय ए बोर्ड सर्टिफाइड फिजिशियंस, मतलब जो भी इसमें आर्टिकल लिखे जाते हैं वो सब सर्टिफाइड फिजिशियंस के द्वारा रिव्यू किए जाते हैं, उसके बाद ही इसमें पब्लिश किए जाते हैं। तो आगे मैं बताऊंगा कि ये लोग क्या कहना है इस आर्टिकल में। सबसे पहले तो हमें इस पे वही मिला जो फिर गूगल पे मिला था, इसमें भी वही जिक्र किया गया है, जो भी प्रॉब्लम्स हो सकती है, स्वेटिंग, हेडेक, एलर्जीज, रिएक्शंस और मसल पेन, इंसोमनिया, और इसी फूड से बिलोंग करता है, ये सब बातें इसमें लिखी गई है जो गूगल में भी लिखी गई थी। सो यू ब्यूटिफुल पीपल, जब आप नीचे आएंगे तो आपको ये मिलेगा, इफ़ यू हैव एनी थायरॉयड कंडीशन एंड ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, गाउट, किडनी स्टोन्स की प्रॉब्लम, अगर इनमें से कोई भी प्रॉब्लम है तो फिर आप अगर स्पिरुलिना लेते हैं तो लेने से पहले आपको हेल्थ चेकअप करवाना पड़ेगा, आपको मेडिकल जो प्रोफेसर होंगे, मेडिकल प्रोफेशनल होंगे, उनसे राय लेनी पड़ेगी। बिना आप किसी मेडिकल प्रोफेशनल से राय लिए इसे नहीं ले सकते। मैंने कल आपको बताया था ये जो गाउट का मतलब है यूरिक एसिड, उसके बारे में मैंने बताया था, थायराइड के बारे में भी बताया था, और उसके उस साथ में नीचे अगर आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि ये पानी के अंदर से टॉक्सिन्स एब्जॉर्ब करता है, तो ये आपके लीवर को डैमेज कर सकता है, और इसके अंदर जो भी पोल्यूशन के मेटल्स हैं, हैवी मेटल्स हैं, वो इसमें हो सकते हैं। तो अगर जो भी यूनाइटेड स्टेट में इसको ग्रो किया जाता है तो वो लैब में किया जाता है, तो ऐसे नहीं खुले में नहीं वहाँ उठा के फिर वो पहुँचा देते हैं लोगों तक, वो लैब के अंदर होता है ये सब काम। और कल मैंने आपको क्लियरली बताया था कि कुछ भी आप ये प्रॉब्लम होती है तो फिर आप पहले डॉक्टर से बात करें, आपको कोई भी हेल्थ इश्यू है तो आप मुझे ये बताइए, मैं आपको पतंजलि की वेबसाइट पर लेके चलता हूँ, क्या यहाँ पर कोई डॉक्टर है?
कोई वैद्य की राय लिखी हुई है वहाँ पे, उसके बारे में ये सब साइड इफेक्ट लिखे हुए हैं, सारी जानकारी लिखी हुई है, नहीं लिखी हुई है। तो ये सारी जानकारी जब मैंने रिसर्च करी तो मुझे पता चला, तो इसलिए मैंने आप लोग के साथ शेयर की। यूट्यूब पे एक चैनल है डीएक्सन के नाम से, वो डीएक्सन के नाम से कोई तो चैनल है, वो मुझे कमेंट करके ये बता रहे थे कि मैं गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ और मैं बच्चों को देने से मना कर रहा हूँ स्पिरुलिना। अब आप लोग बताइए, जिस स्पिरुलिना के बारे में इतनी सारी बातें रिसर्चेस में लिखी गई है, आर्टिकल्स में छपी हुई है, गूगल भी बता रहा है, ये सारी चीज़ें जो लिखी हुई है, तो हम क्या ऐसा प्रोडक्ट अपने बच्चों को देना चाहेंगे? हम ऐसा रिस्क ले सकते हैं अपने बच्चों के साथ में? आप लोग डिसाइड कीजिए और आप लोग कमेंट में जाइए, मेरे पिछला वीडियो ज़रूर देखिए, वहाँ पर जाके जो भी लोग नेगेटिव कमेंट्स कर रहे हैं उसे आप उनका रिप्लाई कीजिए, आप सपोर्ट दिखाइए। अगर आप मुझे सपोर्ट दिखाएंगे, आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और अगर आप सपोर्ट दिखाएंगे तो फिर मुझे मोटिवेशन मिलेगा, तो मैं आगे भी आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे कंटेंट ढूंढ के लाऊंगा, रिसर्चेस करूंगा और आप तक पहुंचाऊंगा। और फ्रेंड, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक कर दीजिए। जब तक आप खुश रहिए, सलामत रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।